फिल्म नगरी मुंबई से आज महाभारत के द्रोणाचार्य हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। बता दें कि पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर वह अपने दोस्त के लिए इंसाफ की गुहार लगाने अनिल विज के दरबार में पहुंचे थे और द्रोणाचार्य ने विश्वास जताया कि अनिल विज के दरबार से उन्हें 200% इंसाफ मिलेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अपनी कार्यशैली के लिए न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में जाने जाते हैं। विज का दबंग स्टाइल जनता को रास आता है। विज न केवल शिकायत का निवारण करते हैं बल्कि फैसला भी ऑन द स्पॉट कर देते हैं। विज के इसी स्टाइल से प्रभावित होकर प्रदेश भर से लोग शिकायतें लेकर अंबाला उनके निवास स्थान पर आते हैं। आज फिल्म नगरी मुंबई से महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुरेंद्र पाल अनिल विज के निवास पर उनके दरबार में पहुंचे और अपने दोस्त के साथ पुलिस द्वारा की जा रही ज्यादती की दास्तान सुनाई। विज ने भी मौके पर कार्रवाई की और पुलिस को मामले की दोबारा जांच करने के आदेश दिए। विज से मिलने के बाद जब मीडिया ने महाभारत के द्रोणाचार्य से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि विज के दरबार में आने का कारण उनकी साफ सुथरी छवि है। उन्होंने विश्वास जताया कि विज के दरबार से उन्हें 100 नहीं बल्कि 200% इंसाफ मिलेगा। सबसे पहले तो अनिल विज जो यहाँ के होम मिनिस्टर हैं हरियाणा के, एक तो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर लोगों की आस्था है और विश्वास है। हम तो ये कहते हैं कि राजनीति में अनिल विज जैसे ज़्यादा लोग होना चाहिए जो हर गरीब का दुख सुन रहे हैं, हर अमीर का सुन रहे हैं, हर आदमी को वो अटेंड कर रहे हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट अनिल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी है, कोरोना से वो पीड़ित हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वो डेली बैठकर 8 से 10 घंटे लोगों को मिलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बम्बई से अनिल विज जी का हालचाल पूछने आया था। समस्या मेरी नहीं है, समस्या तो जगबीर दहिया जी की है जो बहादुरगढ़ से हैं और ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और इनका एक झूठा केस, जिसे कह सकते हैं बिल्कुल एक फ्रॉड टाइप का केस, क्योंकि हमारे यहाँ कानून जो है बड़ा इतना ढीला होता है कि जिसके ऊपर कोई भी आपके ऊपर झूठा केस बनाकर आपको उसमें फंसा सकता है। इस तरह के कई एलिमेंट्स होते हैं जो बुराइयों वाले एलिमेंट, उन्होंने इनको झूठा फंसाया है। उससे हम एक जस्टिस अनिल जी जो हैं हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, तो इसलिए हम आए हैं अनिल जी के पास कि सच्चाई का साथ देने के लिए हमारे जगबीर दहिया को मुझे 200% उम्मीद है कि इनका ये कार्य जो है पूरी तरह से हल होगा। हरियाणा से तो विज के दरबार में लोग अक्सर आते हैं, लेकिन अब फिल्म नगरी से भी लोग आने लगे हैं। विज से जब इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनका दरबार सभी के लिए खुला है, जहां कोई भी कभी भी आ सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। नहीं, यहाँ तो कोई भी आ सकता है, ये तो सबके लिए खुला हुआ है और सबका काम करते हैं। कोई भी होता जो कर सकते हैं वो सबका काम करते हैं, ये तो वही बता सकते हैं, पर जो यहाँ आता है हम उसका काम करते हैं। हरियाणा के सभी मंत्री अगर गृह मंत्री अनिल विज की तरह जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुने और उनका समाधान करें तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश के न्यायालयों से काम का बोझ कम होगा और लोगों को तुरंत इंसाफ मिलेगा। बहरहाल, अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़ रही हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।